कि इस देश का प्रधानमंत्री बिना पलक झपकाए इतना झूठ कैसे बोल लेता है, लेकिन 10 महीने से जलते हुए मणिपुर पर सफेद सपाट झूठ बोल देना आदत नहीं पाप है। किस मुंह से प्रधानमंत्री कहते हैं कि समय रहते कार्रवाई हुई और मणिपुर की हालत सुधर गई। किस कार्रवाई की बात कर रहे हैं, कौन सी सुधरी हुई हालत की बात कर रहे हैं? और असलियत ये है कि दूर दूर तक न सुलह न शांति के कोई अंदेशे हैं, अजीब सा भय आशंका और डर का माहौल आज भी बना हुआ है। असलियत तो ये है कि 10 महीने से मणिपुर अपने प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के पास ना तो मणिपुर जाने का वक्त है, ना इरादा, और असलियत में ना तो हिम्मत। हद कर दी उन्होंने बरगलाने की, हद कर दी उन्होंने झूठ बोलने की, और सबसे ज्यादा हद कर दी है जनता को मूर्ख समझने की। कभी कभी सोचती हूँ जब मोदी जी अपना अक्स आईने में देखते होंगे उनको दूसरी तरफ क्या नजर आता होगा, एक झूठा पाखंडी आदमी। प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं। उनके झूठ को सुनकर कभी हंसी आती है, कभी गुस्सा आता है, कभी दुख होता है और कभी कभी आश्चर्य होता है कि इस देश का प्रधानमंत्री बिना पलक झपकाए इतना झूठ कैसे बोल लेता है। अपनी वाहवाही में झूठ बोलना, विपक्ष के खिलाफ झूठ बोलना, मुद्दों से भटकाने के लिए झूठ बोलना, ये प्रधानमंत्री की आदत में शामिल है। लेकिन 10 महीने से जलते हुए मणिपुर पर सफेद सपाट झूठ बोल देना आदत नहीं पाप है। किस मुंह से प्रधानमंत्री कहते हैं कि समय रहते कार्रवाई हुई और मणिपुर की हालत सुधर गई। किस कार्रवाई की बात कर रहे हैं, कौन सी सुधरी हुई हालत की बात कर रहे हैं? असलियत यह है कि 10 महीने से मणिपुर जल रहा है। असलियत यह है कि मणिपुर के लोगों ने जिस सरकार को नकार दिया वो आज भी वहां पर बरकरार है। असलियत यह है कि लोकतंत्र के महापर्व का मणिपुर की एक कुछ जनता बहिष्कार कर रही है। असलियत यह है कि 76 साल बाद आजादी के लोकसभा की एक सीट पर मणिपुर पर 2 दिन वोट कराना पड़ रहा है। असलियत यह है कि हजारों की संख्या में महिलाएं और बच्चे आज भी रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। और असलियत यह है कि दूर दूर तक न सुलह न शांति के कोई अंदेशे हैं, अजीब सा भय आशंका और डर का माहौल आज भी बना हुआ है। असलियत तो यह है कि 10 महीने से मणिपुर अपने प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के पास ना तो मणिपुर जाने का वक्त है, ना इरादा, और असलियत में ना तो हिम्मत। तो मोदी जी झूठ क्यों बोलते हैं, इतनी हद क्यों पार कर देते हैं? हद कर दी उन्होंने बरगलाने की, हद कर दी उन्होंने झूठ बोलने की, और सबसे ज्यादा हद कर दी है जनता को मूर्ख समझने की। अगर मूर्ख नहीं समझते जनता को तो मणिपुर पर इस तरह की बात नहीं कहते कि उन्होंने समय रहते कार्रवाई करी। कौन सी कार्रवाई की है? कभी कभी सोचती हूँ जब मोदी जी अपना अक्स आईने में देखते होंगे तो उनको दूसरी तरफ क्या नजर आता होगा, एक झूठा पाखंडी आदमी, और इसके बारे में वो क्या सोचते हैं।